कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में स्थित शाही नंबर 2 इंडस्ट्रियल एरिया में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेंट थिनर की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पल भर में आग ने इतना भयावह रूप धारण कर लिया कि पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया और उसी टैंकर में आग लग गई। टैंकर में लगी आग ने पल भर में ही पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया और तो और थिनर फैक्ट्री के बगल में ही स्थित एक कागज फैक्ट्री भी धू धू कर जलने लगी, जिसके बाद ऊंची ऊंची चिंगारियों के देख स्थानीय फैक्ट्री कर्मियों ने दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी। आग को बुझाने के लिए एक के बाद एक दमकल की एक दर्जन से भी अधिक गाड़ियां पहुंचती रहीं और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी आग को काबू में नहीं किया जा सका। वहीं फैक्ट्री कर्मचारियों की बात करें तो उनका कहना कि जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी थी उस वक्त फैक्ट्री में लंच हो गया था और सभी कर्मचारी बाहर आ चुके थे, जिसके चलते किसी भी मजदूर की जान नहीं गई। वहीं दमकल विभाग के CFO महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि फैक्ट्री में 1,00,000 लीटर से भी अधिक थिनर रखा हुआ था, जिसमें अचानक आग लग गई। दमकल की गाड़ी आई है, लगातार आग को काबू करने का प्रयास कर रही है। वहीं उन्होंने बताया कि थिनर काफी बड़ी मात्रा में है, जिसके चलते आग को जल्दी काबू नहीं किया जा सकता है, मगर उनका यह प्रयास है कि थिनर फैक्ट्री के अलावा अगल बगल बनी अन्य फैक्ट्रियों में आग ना पहुंच जाए। इसके लिए दमकल कर्मी पानी के साथ केमिकल भी डालकर आग को काबू करने में जुटे हुए हैं और जल्द ही आग पर काबू पाया जाएगा। निजामुद्दीन, क्या हुआ यहाँ पर, कैसे आग लगी? यहाँ पे जो है टैंकर जो है यहाँ बाहर अंदर खड़ी हुई थी। टैंकर में जो है जैसे स्टार्ट की गई, टैंकर से चिंगारी फेंकी है, उसके जरिए से आग लगी। टैंकर में जो है आपका जो है साइनो थिनर जो है पेंट के अंदर जो यूज किया जाता है, तो वो जैसे पेट्रोल में आग लगती है उस तरीके से आग लगी है। उसके बाद सारे वर्कर जो है बाहर उस समय लंच के टाइम जो है बाहर जो है लंच कर रहे थे, तो उस टैंकर से आवाज़ वो निकली है, जैसे कि स्पोर्ट का आवाज़ निकली है, उससे आवाज़ ये आग फैली है और फैलते फैलते ये इधर में। कितने घंटों से जल रहा है ये? करीब जो है 1 बजे से ये जल रहा है। लगभग कितने घंटे हो गए? लगभग जो है 2.5 घंटे हो गए। अच्छा, तो क्या आग बुझाने के लिए हो गए लगभग? क्या दमकल विभाग को सूचना कर दी आप लोगों ने आग बुझाने के लिए? वो जाने के बाद जो है यहाँ के अधिकारी लोग फैक्ट्री लोगों के, तो उन्होंने जो है इन लोगों ने जो है अपना फोन करके अपना जो है। कितनी गाड़ियाँ आ चुकी है अभी? 4 आई है सर। अभी कोई यहाँ हताहत हुआ या कितनी गाड़ियाँ अभी तक जल चुकी हैं? अभी तो गाड़ियाँ कम से कम बैग जो है 5-6 बैग चली हैं और जो है ऑटो वगैरह हैं जो जिसपे लोड करके ले जाते हैं वो गली है, टैंकर जली है और मारुति जली है, ऐसी गाड़ियाँ जली। आग बुझा ली गई है? आग अभी नहीं बुझा ली, अभी आपके सामने जो जल रही आग जो है वो आप देख सकते हैं और जो है। ठीक। सर कौन सी फैक्ट्री है और क्या हुआ यहाँ पर? ये पनकी साइड 2 में साइनो केमिकल्स है। इसमें लगभग हमें 1:30 बजे के आसपास एक आग की घटना की सूचना मिली। तुरंत ही हमने पहले 2-3 फायरिंग गाड़ियाँ डिप्लॉय की, बट जैसे ऑन द वे रास्ते में तो देखा धुआं ज़्यादा था, काफ़ी बड़ी आग लगी, तो इमीडिएटली हमने और फायर इंजन्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया। एट प्रेजेंट यहाँ पे करीब 12-14 गाड़ियाँ काम कर रही हैं और ये थिनर की एक फैक्ट्री है, ये थिनर के ड्रम्स थे यहाँ, तो जो अभी बताया गया लगभग 200 ड्रम के लमसम थे, जो 200 × 1000, तो यानी लगभग 2,00,000 लीटर थिनर था, जो इसे जिसे हम बुझा तो पाने ना, बेसिकली जिसे कंट्रोल बर्निंग की एडजॉइनिंग एरिया में फैले ना, तो वही हमारा एम है, इसे बुझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि पानी मारने से फोम भी डाल रहे हैं, बट इसको हम एडजॉइनिंग में ना फैले, इसको कंट्रोल बर्निंग में कंट्रोल कर रहे हैं और लगभग मुझे लग रहा है अगले 1 घंटे में हम इसको कंट्रोल में कर लेंगे। सर और भी क्या अगल बगल भी कोई फैक्ट्री में? अगल बगल गत्ता या और इस तरह की फैक्ट्रियाँ हैं, बट उनको हम वही कह रहे हैं कंट्रोल बर्निंग में उसको रोक लें ताकि और जगह ना फैले। सर कोई जनहानी भी हुई? कोई जनहानी नहीं, अभी तो आग बुझाने का काम चल रहा है, जारी है। कुछ वाहन भी जले हैं फैक्ट्री? हाँ, एक टैंकर है जो साथ में जला है, पास में फ्रंट पे खड़ा, जो इसे फैक्ट्री के फ्रंट पे जो खड़ा हुआ। ओके, थैंक यू।